कि माझी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कभी तो कहते हैं कि एक पौवा दारू पीना चाहिए, इसकी छूट मिलनी चाहिए। देखिए, देश में एक कहावत है कि अगर आप आसमान पे थूकेंगे तो वो थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायक ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उन्हें 20 बार सोचना चाहिए। 70% ऐसे गरीब लोग जेल में बंद है जो आधा लीटर या क्वार्टर लीटर दारू पी करके पकड़े गए हैं, तो ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए जो 250 ग्राम पिया हो या 750 ग्राम पिया हो, और उनको जेल नहीं भेजना चाहिए। ऐसे सरकार समीक्षा करके बनाई है, लेकिन पकड़ने वाले बदमाशी करते हैं कि जो आधा लीटर पीते हैं उनको कहते हैं कि 2 लीटर पिए, और जो ब्रेथ एनर्जी लगाता है उसमें क्या तो परसेंटेज है वो दिखला देता है ज़्यादा, जिसके चलते उन लोगों को दिक्कत होती है। देखिए, माझी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कभी तो कहते हैं कि एक पौवा दारू पीना चाहिए, इसकी छूट मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मैं भी दलित समाज से आती हूँ, दलित के लीडर हैं और उनके बात का असर पड़ता है गरीबों पर, वो पीते हैं एक पौवा दारू रोज। रही बात तेजस्वी जी की, तो माननीय तेजस्वी जी और माननीय लालू जी के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती के साथ खड़ी है, तो अब कौन क्या कहता है नहीं कहता इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तेजस्वी जी के साथ पहले भी थे और आज भी। देखिए, देश में एक कहावत है कि अगर आप आसमान पे थूकेंगे तो वो थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायक ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो उन्हें 20 बार सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रही है। अगर अपने समाज को समझाने के लिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने शराब को लेकर के कुछ कमेंट किया है तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर इस तरीके की टिप्पणी उन्हें करना चाहिए। रही बात जीतन राम मांझी जी को, उन्होंने कहा कि उनके घर में लोग पीते हैं क्या, तो ये अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घर में लोग शराब पीते हैं क्या, तो अच्छा लगेगा क्या? बोलने से पहले 100 बार सोचे कांग्रेस के विधायक। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।